नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवी की खेती के बारे में और जानने वाले हैं कीवी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, ए टू जेड नॉलेज। जानने वाले हैं कीवी की टॉप की वेराइटियाँ, किस प्रकार की मिट्टी में आप कीवी की खेती कर सकते हैं, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। हम जानने वाले हैं कि कीवी की खेती करने के लिए आपको उसकी बिजाई या रुपाई कैसे करनी है, बीज लगाना सही रहेगा या फिर कलम ग्राफ्टिंग सही रहेगी, ये भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार की जलवायु में कीवी की खेती करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रदेश है भारत में जहाँ पर कीवी की खेती बड़ी आसानी के साथ में की जा सकती है, कौन सा वो सही समय है जब आप इसकी बुआई या रुपाई अपने खेत में कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको एक पेड़ से कितना उत्पादन कीवी का फल देगा और क्या भाव आपको मार्केट में मिल सकता है, यानी एक पेड़ के पीछे आप कितना पैसा 4 से 5 साल बाद जब कीवी पक जाएगा और आपको फल देना शुरू करेगा उस समय ले पाएंगे, यानी लगभग सब कुछ हमने बता रखा है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शेयर करना न भूले, क्योंकि अन्य किसानों तक भी इसे पहुंचाना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कीवी की खेती करने के लिए आपको कौन कौन से प्रदेश हैं भारत में जहां पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहां पर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ऐसे कुछ इलाके जहां पर ठंड काफ़ी अच्छी पड़ती है, ठंड की मात्रा बहुत बढ़िया होती है, वहां पर इसकी खेती की जा सकती है। जी हां मेरे किसान भाइयों, नम और शुष्क जलवायु वाली जगहों पर इसकी खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। वैसे तो टेम्परेचर को जो सहन करने की इसकी क्षमता है वो 20 से 25 डिग्री से लगाकर ऊपर 40 से 50 डिग्री तक भी ये सहन क्षमता रखता है, लेकिन उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में इसकी खेती बड़ी आसानी के साथ की जा सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी टॉप की वेराइटियाँ कौन कौन सी है। किसान भाइयों, इसमें आपको इस प्रकार से रुपाई या बिजाई करनी पड़ती है कि आपको अगर मान लीजिए 5 मादा पौधे ले रहे हैं तो एक नर पौधा उसके साथ लेना पड़ेगा। इससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया द्वारा ही कीवी का फल आपको मिलना शुरू होगा, इसलिए अगर आप 5 मादा पौधे लें तो एक नर पौधा जरूर लें। अगर मैं नर पौधों की बात करूं तो उनकी 2 वेराइटी आती है, एक को एलिशन नर बोला जाता है और दूसरे को तमूरी नर। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, नर प्रजाति की 2 वेराइटियाँ हैं। अगर हम मादा की बात करें तो मादा के लिए यहाँ वेराइटियाँ आती है जो भारत में बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है, जैसी एलिशन, एवेट, मोंटी, हेवर्ट, एबोट, एलिना, ये कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो कि भारत में बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है। तो ये रही कुछ टॉप की वेराइटियाँ जो भारत में आप रुपाई या बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब इसकी बिजाई करना सही रहता है या फिर रुपाई करना, इसके बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, बिजाई यदि आप करते हैं तो आपको यह पता नहीं रहता है कि कितने आप नर पौधे ले रहे हैं और कितने मादा पौधे, यानी आपका बैलेंस बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ बिजाई किया हुआ पौधा 7 से 8 साल में आपको फल देना शुरू करता है, जबकि कलम किया हुआ पौधा आपको 5 से 4 साल में उत्पादन देना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, अगर आप इसका पौधा खरीदते हैं तो सर्टिफाइड नर्सरी से, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड जैसे इलाकों में इसकी बहुत सारी सर्टिफाइड गवर्नमेंट नर्सरियां हैं, वहां से अगर आप इसका बीज लेते हैं तो लगभग आपको 150 रुपये पर पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस समय इसकी रुपाई आपके खेत में आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो बारिश के समय भी आप इसकी रुपाई आपके खेत में कर सकते हैं, ताकि आपको सिंचाई की उतनी ज़्यादा झंझट पालने की आवश्यकता न पड़े, लेकिन 15 दिसंबर से 15 फरवरी का जो महीना माना जाता है, इसके बीच में अगर आप इसकी रुपाई अपने खेत में करते हैं तो आपके पौधे आगे चलकर स्वस्थ रहेंगे और उनको ज़्यादा दिक्कतें समय के साथ नहीं आएगी, इसलिए ये समय सबसे ज़्यादा सही कीवी की खेती के लिए माना जाता है या कीवी की खेती की रुपाई के लिए माना जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। मिट्टी ऐसी होना चाहिए जो ज़्यादा कठोर ना हो, यानी पथरीली ना हो, साथ ही साथ उसकी पीएच वैल्यू 5 से 6 हो। अगर 5 से 6 पीएच वैल्यू नहीं है तो आप जानते ही हैं कि जिप्सम पर डालकर आप पीएच वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, यानी कि मिट्टी में आप इसकी खेती बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उत्पादन देना ये कब शुरू करेंगे।
किसान भाइयों, कीवी आपको 4 से 5 साल में अगर आप कलम से लगा रहे हैं तो उत्पादन देना शुरू कर देगा, और अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 साल में उत्पादन देना शुरू कर देगा। एक पेड़ से आप 70 से 80 किलो तक उत्पादन ले पाएंगे, यानी अगर मान लीजिए कि आपको 200 से 250 रुपये पर किलो का भी भाव मिल जाता है तो एक पेड़ से आपको 14 से 15,000 रुपये तक का उत्पादन मिल सकता है। यानी कि अगर आप 100 पौधों को अपने खेत में लगाते हैं तो यहाँ आप 14 से 15 लाख रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था कीवी की खेती के ऊपर हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे और मिलेंगे। धन्यवाद।